जी उस्ताद जी दिसाओ पोसा बनाने का तरीका दिसाओ लोग पोसा असने कासिन दा पोसा बने से सज गु टिम्बर बत्रा चार मोर बेने बड़े जोड़े उन ओ एक चम्मच खवाए उ तू कासनी पलाई सुमारी ता वाल नमाज दा टाइम है उठाया नमाज पढ़ी नमाज पेशाब साहब कर दो नमाज पढ़ी नमाज बाद बाद तेल सेल मरने से वाल उन को पहलवान को जरा तेल सेल मार दे वाल असा जरा को मक्खन चाटे होने ओ देने से वाल उन दे बाद घंटा डेढ़ घंटा दे बाद वाला असा जरा अब बेदाम पिलाने से वाल बेदाम पिला दे वाल उन्हें को सुमारी था वाल रोटी का टाइम हल्की फुल्की रोटी खवा दे दू बजे खड़ा करने से आसिफ नाल मटन नाल खड़ा करें दे ते अमन वाल ये सारे खड़ा करने ए खुराक दा इफ्तदा ही है आ सौ फल पू सकने असा से कासनी उन्हें छोटी लाच सड़ने से वो संदर बुरा साडू साडू न अक्सर कासनी इस्तेमाल करें दे हाँ शाम को उन्हें को कासनी को सटा साफ सुथरा करते किलो पानी दे साड़ी था लाचा साड़ी था बड़कन खड़िया सुनी ओ अद्धा किलो कन अन बच्चा तो वाल ओ इस्तेमाल साफ सुथरी ज्यादा कीता वाल जरा को अजान कने पहले घंटा कने पिलाई था मुरब्बा ये तो ओ भी जे जे छाण दे हल्का मिठा हल्का मिठा हाँ इस हल्का मिठा साडे दा कितना पानी उबाल लेने कितने मैं आके दे किलो पानी दा अद्धा किलो अन बच्चे अद्धा किलो अन बच्चे हाँ अद्धा किलो बच्चे थोड़ा बा फिर बच्चे अंदाजा कर के दा पानी ए जो ओ गरमा ही मरें दे पानी ना जरा पानी रज ते पीसो ओ मुरब्बा खासो सोंपो सो पेशाब शाब खोलते आसी ओ मैदे दी गरमाई मरें दे पानी जितनी पानी ज्यादा होए उती ने संग 2 किलो होए हे किलो ने बचे जितनी जर मर्दी है पियो पानी उठो वाले जा उठो अपना तेल मारवा नमाज दी खातिर उठो साहब जरा वो पानी पेशाब शाब करो सो हर शाब सेट थी असी मैदा सोना हर शाब सोनी ठीक ठीक ते मुरब्बे केरे केरे इस्तेमाल मुरब्बा भी आंवला सेब ते गाजर ते हरीड़ हाँ इन्हें को साफ सुफ करते इन्हें को सुखा गए खुश करते कट गए कटते जरा इन्हें को मजून बढ़ाओ इन्हें छोटी इलाची पाओ चांदी वर्क पाओ इतनी सारे को साफ सुथरा करते रख दो वर ए यो जी चम्मच डेढ़ चम्मच वो खवाओ डेढ़ सारे जितनी खा सके तो बाद मुरब्बे कभी नहीं पहले वो पहले मुरब्बा उतू पोसा पियो तो सुम पो वाल वो अजान दे टाइम उठो बाबा उनको जब उठाया अपना मेहनत सेहनत की तो मक्खन खाया तू हाथ मार गया हाथ हाथ मरा तो बेदाम पेरा तो सुम बेदाम के साथ घंटे डेढ़ घंटे बाद पीने पौने मक्खन होते ना और सुमा जो सुम सुकून करो रोटी खाओ हल्की फुल्की उसे खाड़े चावन जो बेदाम पीते ठीक ठीक अच्छा ये हम जी माह रमजान शरीफ आ गए तो पहलवान की रूटीन क्या है रोज़ा रखते हो कि खाड़ा करें देसी गाल है रोज़ा दी सुबह अल्लाह वे वो पहलवान अक्सर घट रोज़ा रखे ना जब रोज़ा रखे सी तो हल्की फुल्की वो खुराक खासी वाल उनके पास हल्का फुल्का खड़ा करे सी हाँ हल्का फुल्का बड़ी इतनी जोर तो नहीं करने ना ज्यादा तू बंदे को ज्यादा हल्की फुल्की मकसद जिते तबियत कटे उस मटर को रोजा है मेरे को रोजा है फसल पलवान मेरे शगर को रोजा है अपना हाफ साहब को रोजा है कोशिश की थी मेहनत तो थी देखो गास हूँ असा मेहनत नहीं थी ना मेहनत बई शाह है कोशिश की थी पे मेहनत पक्की करूँ तो पहलवानी है बंदा तरीका पहलवानी का जरा है ना ये सिर्फ दूसरा साल बंद पहलवान बढ़ वे वी गेंदे बंदे को डाढ़ा थी वे तरीका हो सर्दी के पोसे ये कासिन चलाओ छुआरा है बीह पोसे चार पाँच बीह पोसे उन्हें भी दाना है वो बनावना पौधे मकसद खाड़े से आओ भी दाना थोड़ा बहुत बढ़िया हो छोटी बोतल है वो चाहिए आओ दूसरा घुटिया भर गिना मेहनत भी दाना इस्तेमाल करो पक्का पोसा है पोसा है कासनी पक्का है कासनी कोई नुकसान कह नहीं पक्का पोसा थी वे ए जोड़े को तकलीफ रहते ये भी दाना ला सुबहाना ला जबरदस्त पोसा है सबको सब बगू दसेंदे सब बगू पहलवान बिजली ते ओ सबको तरीका दसेंदे साकू अक्सर तरीका वो इस्तेमाल करें दसे मौला पहलवान दसेंदे सारे उस्ताद ने काला कुरियारे वो दसेंदे फजल तकड़ा है फजल दसेंदे नाल तो नाल करना पौधे ना कोई बंदा भोल वेंदे असा भोल वेंदे ये तो कहीं जो मकसद असा नहीं भोलते भोल वेंदे बुढ़े पथिया साठ पैंठ साल उम्र है साड़ी उन्हें अलावा बंदा पुछ गिनते पुछ गिनते से हाँ उस्ताद के पुछ गिनते जो सारे सीनियर उस्ताद हैं पुछ गिनते से ये गल जो वही सारा हर कें झेक नवाई करनी पौंदी है कोई इवें नहीं दसेंदा अजकल जिम्मे पुछो भाई फलाने कई कहीं नहीं दसा अजकल दौर ही हो जाए असारी आदत दसेंदे से हालांकि मौला पहलवान साहब दसेंदे उस्ताद बग्गू दसेंदे बे पहलवान है बे चंगे चंगे पहलवान है असं पुछ गए लोग दस देने कोई गाल नहीं जी समझ आए वो कर गए जे नहीं समझ आए कुछ उनको सट गए बस वो मुनाफे को जरा नहीं दसेंदा कहीं को असा को दसेन असा दसेंदे से असा आप 100% दसेंदे से भाई इं करो सारे को जो नुकसान ही हो जाए नुकसान ये बाल बेटा छोटा
ਇਹ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਈ ਹੈ ਅਸਾਂ ਹਿਨ ਕੁ ਦੱਸਦੇ ਉਸਾਂ ਕਸ ਮੁਜ਼ਾਬ ਦੱਸਦਾ ਸਾਕੂੰ ਬਈ ਇਹ ਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 5 ਕਿਲੋ ਗੁੱਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁੱਲੀ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2.5 ਕਿਲੋ ਕੋ ਹਲਕਾ ਉਬਾਲੋ ਉਹਦੀ ਖਲ ਆ ਗਨੋ ਮਾਖੀ ਦੇਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਈ ਜੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮੁਰੱਬੇ ਬਣਾ ਗਨੋ ਮਕਸਦ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜੀਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਉਹਦੇ ਸੱਟੋ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਥੀ ਵੇ ਉਹ ਦੂ ਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹ ਤਾਂ ਖਵਾਈ ਤੋ ਗੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ ਵੱਲ ਉਹ ਚਮਚ ਦੂ ਚਮਚ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਜਾਈਵੇਂ ਉਹ ਖਵਾ ਗਿਨੋ ਬਿਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਮਜੂਨ ਬੜਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜੀਰੀ ਬੜੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਆਹਿਨ ਖੁਰਾਕ ਹਰ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਬੱਗੂ ਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਦਰ ਪਠਾਣ ਹੈ ਅਖਤਰ ਰੱਟਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕਨ ਮਾੜਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਨ ਬਸ ਗੱਲੂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕੂ ਦੱਸਦੇ ਅਸਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਆਖੂ ਅਸਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਸਾਕੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਨਸਬਤ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਛੋਕਰੇ ਤਕੜੇ ਥੀ ਵੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੱਸਣ ਅਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੋ ਕੁ ਦੱਸਣ ਆਪੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੱਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ We'll be right back.